अब इस वाले गेम में गाइस 40 किल्स होने वाले थे लेकिन कैसे रह गए। हालांकि मैंने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, वो 36 किल्स का था, इसमें 37 किल हो जाते हैं लेकिन 40 क्यों नहीं हो पाते वो देखते जाना। और इसमें गाइस मैं अकेला हूं, यानी कि भाई मेरे टीममेट मेरा साथ दे रहे हैं तो थोड़ा सा हार्ड इसलिए पड़ता है सोलो वर्सेस स्क्वाड। खैर यहां पे गाइस UMP-45 उठाता हूं फटाफट, नीचे से बंदे पेलते हैं। यहाँ पे गाइस 2 किल मिलते हैं, फिर से सामने कुछ बंदे, अभी ये बंदा यहां पे आकर छुप गया था भाई, इसको लपेटता हूं पहले। और भाई इस बंदे को मैंने काफी डैमेज दिया था, नोक पड़ा था तो ये अंदर आ जाता, लेकिन हल्का सा इसका पैर वैर दिखता है, फिर ये दिखता है मेरे को, इसको नोक कर देता हूँ, लेकिन भाई फिनिश कोई और कर देता है, किल चुरा लेता है। तो क्या आप स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हो? कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा बेहतर होता है कि तुम मैच देखो, प्रिडिक्ट करो रिजल्ट्स को, इसका फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक्सपर्ट हो या नहीं। यू कैन डबल योर इमोशंस और जीत सकते हो अच्छा खासा पैसा। वन एक्सपर्ट कंपनी है इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ, तो उन्हें अपने क्लाइंट्स के साथ ईमानदारी से काम करना पड़ता है। अपने जीतने के चांस को बढ़ाओ, अपना चांस यूज करो। बाय द वे इनके यहाँ भी एक कूल प्रमोशन चल रहा है, आप T20 मैच तो देख ही सकते हो और साथ में बैट लगा सकते हो अपनी फेवरेट टीम पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट जीतने के लिए। और तो और आपको बोनस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री बैट। रजिस्टर करो वनएक्स की वेबसाइट पे या ऐप पे और मत भूलना डालना मेरा प्रोमो कोड, जिससे कि आपको मिलेगा फ्री बोनस। प्रोमो पेज पे टेक पार्ट पे दबाओ, बैट करो इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2024 के मैचों पे फ्रॉम July 25 टू August 7। अधिक जानकारी के लिए, प्रोमो कोड के लिए और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए पिन कमेंट को चेक करो। शायद से इसने किल चुराया था क्योंकि उधर से फायरिंग चली थी, इसने मेरा किल चुराया, तो इसको लपेटता हूँ, फिर इसको लपेटता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ फटाफट, फिर ये बंदा था इसको भी फिनिश कर देता हूँ, ये नोक पड़ा था यहाँ पे। और भाई ये बंदा क्या ही टेलीपोर्ट मारा भाई, ये यहाँ पे मोली फेंकना चाह रहा था मेरे ऊपर, लेकिन फिनिश करते हैं इसे भी। और भाई मेरे बंदा यहाँ पे दिखा, इसको मेरा काफी डैमेज देता है, लेकिन इसका बंदा भी रिकॉल हुआ इसके ऊपर ही, तो जहां तक वो रिवाइव करने लगेगा तो इसलिए मैं उड़कर रश मार देता हूँ फटाफट। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर लूट वूट करता हूँ, थोड़ी बहुत M4 मिलती है। सामने आते मिराडो की साउंड, कोई भाई सारे सामने वाले पेड़ पे आकर रुक चुका है, रुक कर रश मारता हूं उस मिराडो वाले पे। करता हूं फिनिश भी फटाफट भाई, लूट वूट करता हूं और फटाफट यहां से निकल लेता हूं। मतलब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, अभी हाई किल में यार ये होता है कि मार के भाई जल्दी निकल लो। खैर मैं निकलना चाह रहा था लेकिन भाई पीछे कोई फायरिंग करता है, यूज़ चलाता है, कोई शायद से अभी रिकॉल हुआ है, तो मैं थोड़ा आगे आता हूं फिर उड़ के जाता हूं, क्योंकि भाई हो सकता है पूरी स्क्वाड हो। और यहाँ पे गाइस वाली पूरी स्क्वाड को खत्म कर दो फटाफट और फिर जल्दी से निकल लेते हैं। और मैं जा रहा था पोचिंग के लिए, ये बग्गी दिख जाती है जो कि यहाँ पे आके रुकती है, तो इस पर रश मारता हूँ। करता हूँ फिनिश से, फिर गाइस फटाफट पोचिंग की चलते हैं, आता हूँ पोचिंग की, यहाँ पे थोड़ी सी लूट लेता हूँ शॉप से, चर्च से कोई फायरिंग करता है, तो देख रहा था मैं यार बंदा, मतलब एंगल दिया तो पहलू बंदा दिखता है,
काफी गंदा डैमेज देता बंदा मेरे को। खैर गाइस मैं इसको नोक कर देता हूँ। लेवल 3 का मालता नहीं तो गया था मैं। खैर यहाँ पे गाइस फटाफट मेड किट मारता हूँ, फिर रश मारते हैं उड़ के इन पे। यहाँ पे इन दो को लपेटता हूँ, एक आता सामने से इसको भी खत्म कर देता हूँ फटाफट। फिर गाइस थोड़ा बहुत लूट करता हूँ जल्दी और फिर फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। जा ही रहता है यहाँ से लेकिन ये बंदा दिख जाता है। अब मेरा प्लान था ये बंदा फायरिंग करेगा गाड़ी पे, लेकिन ये चालाक था भाई, से पता था कि आगे से इस वाली गाड़ी पे गोली नहीं लगेंगी तो ये रुक जाता है। नहीं तो मेरा प्लान था कि ये मैगजीन खाली करेगा, मैं जब उतर के मारूंगा, लेकिन फिर यार ये मारते नहीं तो मैं उतर के वैसे मार देता हूँ। खैर यहाँ पे गाइस ड्रैगन बुलाया था किसी ने, आता हूँ रश मारने। दो बंदे थे सामने, दोनों करता हूँ खत्म यहाँ पे। फिर गाइस लूट करते फटाफट थोड़ी बहुत और फिर चलते यासनाया। खैर यहाँ पे गाइस सबसे ऊंची बिल्डिंग में वहां से फायरिंग चल रही थी, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इन वाले अपार्टमेंट्स में आके यहाँ से एंगल लूंगा बंदों पे। आती है गाड़ी की साउंड, फिनिश कर रहे इस वाले बंदे को। फिर गए सामने से बंदे के फुट सब सारे थे और फायरिंग भी चल रही थी, तो उन्हें देखते हैं फिर। ये बंदा भाई यहाँ आके हीलिंग कर रहा भाई, इसको नहीं पता शायद से कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ बिल्कुल। फिर कोई उड़का आता है, तो भाई हवा में ही फेल दिया। खैर गाइस इसका एक और टीममेट था यहाँ पे जिसके सामने से फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। मेरे को लगा बंदा अंदर आएगा, ठीक है मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ आराम से, कि बंदे को पता ही नहीं है बंदा अंदर आएगा मैं फेल दूंगा। लेकिन देखो बंदा आता ही नहीं है अंदर, भागने और लगा था, तो मेरे को जाके मतलब नॉक करना पड़ता है इसको, फिर फिनिश भी कर देता हूँ आगे जाके। और फिर गाइस वाले घर से फुटस्टेप्स आए थे, यहाँ पे रश मारता हूँ। प्लान था मेरा मोली फेंकने का, लेकिन बंदा भाई यहाँ पे था और अचानक से भाई इसमें करंट आ जाता है, मतलब फायरिंग करता है। मेरे को लगा ऑफलाइन खड़ा होगा लेकिन नहीं था। फिर यहाँ पे गाइस सामने फायरिंग चली थी, ड्रॉप आ रखी थी, पहले तो मैं पीछे रुक जाता हूँ स्प्रे देता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं था भाई, घास वहाँ से लड़ गई थी तो स्प्रे में रोक देता हूँ। फिर गाइस रश मारते सामने वाले घर में, और इसको तो मैं यहीं से पेल देता हूँ, यहाँ से मस्त एंगल मिल जाता है। फिर गाइस फटाफट अंदर जाता हूँ, अब यहाँ पे इन वाले बंदों को हल्का फुल्का डैमेज दिया। फिर गाइस उड़ के रश मारता हूँ इन पे फटाफट, और यहाँ पे गाइस फुल स्क्वाड है, बस देखो कैसे पेलता हूँ इन्हें। सबसे पहले भाई इसको फिनिश करता हूँ पूरा, इसका आता टीममेट भगा भगा, इसको भी लपेटा, आता एक और ये लास्ट था, इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और भाई पीछे कोई ग्रोजा लेके बैठा था, अच्छा वो मैं जल्दी से उधर से निकल लिया, नहीं तो भाई क्या ही हाल होता मेरा। खैर गाइस मैं सोचता हूँ ऊपर जाके एंगल लूंगा ग्रोजा वाले पे। टीवी भी लेट था, इसको लगा मैं अंदर हूँ। खैर गाइस यहाँ पे फिनिश करते हैं इसे फटाफट, और यहाँ पे गाइस जोन आने लगी थी तो मैं फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ बिना हेल्थ करे। फिर गाइस मार रहा था यहाँ पे, सामने एक बंदा लैंड करा, अभी भी उड़ रहा था ये, तो मैं इस पर रश मारता हूँ, लेकिन देखते जाओ। अब यहाँ पे गाइस मेरी एक एम में सिर्फ 10 गोली थी और मैं बंदे के मुंह पे घुस जाता हूँ भाई।
ये क्या करा मैंने, मतलब ये क्या करा भाई, क्या मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें एक एम में 10 गोली है। और फिर मैंने ड्रम मैगजीन और लगा रखी थी और उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि बहुत देर में रिलोडिंग होती है। और मेरे को ये भी नहीं पता था कि भाई रिलोड पे 3 ही गोली है बस। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने नहीं चेक करा कि एमओ, नहीं तो मैं M4 लेकर घुसता इस वाले बंदे के मुंह पे। खैर गाइस क्या कर सकते हैं, खैर रिकॉर्ड तो मैंने अपना ब्रेक कर दिया, फाइनली 37 किल हो चुके हैं और गाइस हम ट्राई करेंगे 40 किल्स का। खैर गाइस आज के वीडियो में, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब, मैं तो आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।